Hello and welcome to the Wi Fi Study channel, Changing the Way of Learning, India's number one online education channel and the part of an academy. So, good morning to everyone. जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ और जो लोग कर रहे हैं तैयारी और जिनको जीके में है थोड़ा सा इंटरेस्ट क्योंकि हम यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो साथ में जीके में आपका जो इंटरेस्ट है ना वो भी यहाँ पे बना रहे करंट अफेयर की कुछ न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ सीधा सीधा एग्ज़ाम आपके एग्जाम उन सेक्शंस को उठाता है और क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो यहाँ पे हम क्लास शुरू कर रहे हैं आप शेयर कर दीजिए क्लास को और यहाँ पे जीके की ये क्लास जिसमें मैप्स डिटेल पीडीएफ और इम्पोर्टेंट जितने भी आपके जीके के टॉपिक रहते हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं राइट right? उसके अलावा सेवन पी की क्लास एंड सिक्स पी की क्लास जो कि आपकी अन पे होती है तो आज आपकी सिक्स पी की क्लास भी है और आपकी सेवन पी की क्लास भी है सेवन पी की क्लास कल नहीं हुई थी कल छः बजे वाली क्लास आपकी हुई थी ना तो सेवन पी में आज गोवा कल महाराष्ट्र करके अपना ये सेगमेंट पूरा का पूरा जो है ना वो यहाँ पे फिनिश करते हैं खत्म करते हैं ठीक है थीके? तो आज 25 मार्च को ये कंप्लीट कर लेंगे उसके अलावा एसएससी में आपका सीएचएसएल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना वो यूनिकॉर्न बैच ज्वाइन कर सकते हैं साइंस की कंप्लीट थ्योरी जो है ना वो मैं आपको वहीं पर कराऊंगी टिश्यूज वाला चैप्टर अच्छा जो प्लस वाले में है वो इस एक दो दिन का वेट करिए मैं आपकी क्लास जो है वो लगाने वाली हूँ कल की क्लास में कुछ गड़बड़ हुई थी पर दो क्लासेस आप लोगों के लिए लग जाएंगी ठीक है तो बिना किसी टेंशन के शिप्रा कोड यूज करके आप अन्यडमी के एस एस सी सब्सक्रिप्शन जो है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये रहा टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर जाइए और टेलीग्राम पे आपको सारी की सारी पी डी एफ इस क्लास की मिल जाएंगी साथ में सिक्स पी एम की क्लास का और सेवन पी एम की क्लास का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जहां से आप थ्योरी पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से ना पढ़ पाओगे चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करें तैयार है सारे के सारे क्या हुआ अब एक बार देखिए ना अब आपका सही चलेगा वीडियो चलिए क्वेश्चन नंबर वन के साथ शुरू करते हैं व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड सेना दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है और किसके नाम पे मनाया जाता है अब आपकी वीडियो ठीक चलेगी दो मिनट रुक जाइए बस वीडियो ना अभी ठीक चल जाएगी एक मिनट ओवीएस का कुछ तो दिक्कत होगा क्या हो गया भाई होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन ओके राइट अभी ठीक चलेगा देखो पंद्रह जनवरी को हमारा आर्मी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और के एम करियप्पा जी के नाम पे तो 49 के बाद चीफ मार्शल जो बने थे हमारे भारत के पहले वो करियप्पा तो 15 जनवरी करके याद रखिए ठीक है आर्मी डे के एम करियपा के नाम पे 15 जनवरी 1949 को पूरी की पूरी जो अथॉरिटेटिव था वो इन्हीं के हाथ में आ गया था सी सी ई ई का फुल फॉर्म क्या होता है ई ई सी का फुल फॉर्म जो है वो क्या बोला जाता है बताइए ये क्या हो रहा है भाई बफरिंग क्यों अच्छा आप बताना अब शायद तक ना रुके अब शायद ना रुके वो प्लगिंग का कुछ दिक्कत था यहाँ पे इसलिए दिक्कत कर रहा था ईसीई की फुल फॉर्म क्या होती है ये व्हीकल्स के स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बोला जाता है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना उसके लिए डिफाइन करते हैं यहाँ पे तो इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप करके याद रखे व्हीकल डिजाइन का एक यूनिफॉर्म स्टाइल जो है ना वो बोला जाता है ठीक है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप करके याद रखे और ये व्हीकल डिजाइन का एक आपका सेट पैटर्न या यूनिफॉर्म पैटर्न बोला जाता है तो ये व्हीकल डिजाइन से रिलेटेड है कोई कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन करके मत याद रखिएगा कि एक आपका हर चीज का बनाने का एक एसओपी होता है एसओपी मतलब जिसके रेगुलेशन या जिस प्रोटोकॉल के तहत आप कोई भी काम करते हो उससे रिलेटेड तो इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप राइट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वॉज फर्स्ट हेल्ड एट वियना ऑन बते मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन पहली बार वियना में आयोजित किए जाते हैं कहने को ह्यूमन राइट के अंदर राइट मेल और फीमेल दोनों ही आते होंगे, है ना? ह्यूमन को अगर हम बात किया जाए तो ह्यूमन में आपके मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं पर इस दुनिया के अंदर सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे कभी कभार ना हमको ये सिचुएशन सोच के बहुत ही ज्यादा ये ये लगता है कि शायद ये सिर्फ भारत की सिचुएशन है किसी दिन बैठ के ना इतमान से ना डाटा पढ़ के देखेंगे तो सिर्फ भारत की सिचुएशन ऐसी नहीं है ह्यूमन में जो मेल और फीमेल आते हैं ना तो सिर्फ फीमेल जिनकी परसेंटेज भारत की अगर मैं बात करूं तो 52 परसेंट है और महिलाओं की परसेंटेज जो है वो 48 परसेंट है ऑलमोस्ट इक्वल है ये तो नहीं है कि ह्यूज गैप है दस पंद्रह का गैप है नहीं ह्यूज गैप नहीं है अगर यहाँ से एक ये यहाँ से दो इधर भी परसेंटेज हो जाते ना तो बराबर का गैप होता कहने को ह्यूमन राइट्स पे ना यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट के प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने खुद ने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट कमीशन वुमेन कमीशन ये सब बनाए पर दुनिया के लिए अगर मैं बात करूँ ना पूरी दुनिया के लिए एक टाइम है जो एक सोसाइटी ने एक पर्टिकुलर सेक्स के लिए या जेंडर के लिए डिसाइड कर दिया है कि महिलाएं जो है ना वो सुबह आठ से शाम के छह तक ही जो है ना बाहर रह सकती हैं अगर महिलाएं छह या सात बजे के बाद बाहर रहती हैं तो उनके ह्यूमन राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं एक लेटेस्ट डाटा के हिसाब से महिलाएं फोर्टी एट है भारत के अंदर भारत के अंदर की बात करें लेकिन अगर राइट्स के मामलों की बात किया जाए तो जो राइट्स पुरुषों को मिले हैं वही राइट्स जो है वो महिलाओं को मिले हैं लेकिन महिलाओं के राइट्स में राइट्स टू इनक्वालिटी इक्वालिटी नहीं इनक्वालिटी वेजेस की बात हो घर की बात हो किसी भी सिचुएशन की बात हो यानी कि जब कोई भी फीमेल पैदा होती है ना उसको यही सिखाया जाता है या लड़कों को ये सिखाया जाता है लड़कियों की तरह रोना नहीं है लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनने हैं लड़कियों की तरह खाना बनाने की आदत क्यों है किचन के अंदर है ना लड़कियों की तरह सारी हरकतें हैं

महिलाओं की तो कोई बात ही नहीं हो रही है चाहे वेजेस की बात हो चाहे शादी के बाद घर छोड़ने वाली बात हो शादी के बाद महिला ही क्यों घर छोड़ती है पुरुष क्यों नहीं घर छोड़ते हैं ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना कि मेल एंटर्स इनटू टू दी फीमेल फैमिली अच्छा हमारी सोसाइटी का पैटर्न खराब हो जाएगा तो हमारी सोसाइटी का पैटर्न बहुत सारी चीजों से खराब हो रहा है उनको कंसीडर जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा है वी हैव अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ह्यूमन राइट्स तब बोलेंगे जब चीज़ें इक्वल लेवल पे आएंगी इक्वल प्लेटफॉर्म पे आएगी है ना लड़की चाहे मतलब वैसे लड़कियों के पैसों पे लड़कों को रहना नहीं है पर दहेज का सामान गाड़ी में रखने में लड़कों को अजीब नहीं लगता इतना हिपोक्रेसी हो गया है ना यहाँ पे इतना हिपोक्रेसी हो गया है, तो ये याद रखिए देखिए ये बात ही फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है वैसे लड़कों को ना लड़कियों के पैसों पे बाहर बिल नहीं देना भाई तुम क्यों बिल दोगी मैं कमाता हूँ ना मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे घर के इलेक्ट्रिशन तुम क्यों दोगी मैं दूंगा ना यहाँ पे लेकिन जब दहेज का सामान मिलता है तो लड़का गाड़ी में रखने में बिल्कुल नहीं शर्माता तो ह्यूमन राइट्स की बात तब की जाएगी जब मेल और फीमेल्स को इक्वल राइट जो है वो इक्वल अमाउंट पे दिए जाएंगे हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमको पैदा हो के साथ ही लड़कियां लड़किया ये नहीं करती लड़कियां वो करती हैं लड़कियां बाहर नहीं जाती लड़कियां जींस नहीं पहनती लड़कियां मॉडर्न नहीं रहती हैं अगर सिगरेट लड़की ने पी तो आप लोगों के लिए वो आई कैंडी बन जाता है ना बाहर खड़े हो okay, वैसे तो सिगरेट किसी को भी नहीं पीना चाहिए किसी को भी नहीं पीना चाहिए लेकिन अगर लड़की सिगरेट पी रही है तो वो आई कैंडी है लड़की एल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो लोग उसको पचास बार घूम के देखेंगे वरना लड़का पी के रोडों पे भी घूमेगा तो भी कोई नहीं देखेगा सो ह्यूमन राइट की बात उस दिन करेंगे जिस दिन ह्यूमन मेल और फीमेल दोनों जो है वो बराबरी पे आ जाएंगे जून नाइनटीन के अंदर पहली बार वियना कन्वेंशन जो है उसके ऊपर वियेना कन्वेंशन जो है वो आयोजित किया गया था ठीक है नहीं एक तरफा नहीं बोल रही हूं मैं एक तरफा नहीं बोल रही हूँ लड़कियां छोड़ती है तो वो पराया धन होती है अगरी जब लड़की आ, अपने ससुराल में जाती है तो उसको बोला जाता है दूसरे की घर की हो अपने घर चली जाओ अप कुछ लड़ाई होती है तो लड़की को क्या बोला जाता है अपने मम्मी पापा के पास जाओ वहीं से आई हो तुम तो है ना तो फिर मतलब लड़कियों के लिए जिंदगी भर एक ही क्वेश्चन बना ही रहता है कि वो आइडियली किसके घर में है जब पेरेंट्स के घर में होते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुमको शादी करना है दूसरे घर जाना है जब दूसरे घर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अपने घर से आई है ये लड़की है ना तो पता नहीं आइडियली सिचुएशन क्या बाद में जब बच्चे होते तो वो बच्चों का घर होता है हस्बैंड का घर होता है तो फाइनली ना लड़कियों का घर कुछ होता ही नहीं है सो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट टुक प्लेस ऑन वियना टुक प्लेस एट वियना ऑन जून नाइनटीन नाइनटी थ्री ठीक है ये याद रखिए भाई बिल्कुल भी नहीं ये मैं आपको बता रही हूं ना ये स्टैटिस्टिकल डाटा के बेसिस पे बता रही हूँ कंपाइल करके बता रही हूँ महिलाओं के वेजेस वेजेस आपको पता है ना जो टोटल भारत में डिस्ट्रीब्यूट पैसा जो किया जाता है ना वो एट्टी पैसा जो है वो पुरुषों को किया जाता है राइट अब इसमें महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है वो ट्वेंटी है जबकि वर्किंग क्लास जो है वो आपकी फोर्टी में से 20 तो 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 के 48 में से 20, 21 है, है right? है तो ये याद रखेंगे पे कोई बात नहीं चलिए in देखिए कुछ भी है, social है ना आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए लड़कियों को अपनी खुद की जगह बनानी पड़ेगी जब लड़कियां एयरक्राफ्ट चलाती हैं या एरोप्लेन चलाती हैं या कुछ भी ऐसा काम करती हैं जो पुरुष ही किया करते थे तो जब महिलाएं करती हैं तो लगता है ना अलग से है ना जब पहली बार एयरक्राफ्ट उड़ाया गया था महिला के द्वारा तो देखा गया था ना उसको कितना ह्यूमिलिएट किया जाता था व्हेन यू हैव अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो फीमेल्स को चीजें करने में ऑकवर्ड लगता है तो वो चीज़ धीरे धीरे हटेगी बाकी वी हैव हाँ द फीमेल थोड़ा सा रिसेसिव कंडीशन पे है अब सिचुएशन बैक एंड पे कुछ भी हो सकती है आप एक दो महिला के ऊपर पूरा जनरलाइज़ नहीं करिएगा जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट इन इंडिया वो पासड इन दर जी आई टैग आज आजकल आपके बहुत ही फेमस है आप हर एक एग्जाम एक में देखोगे या हर एक, एक स्टेट को जब आप पढ़ते हो तो जी टैगिंग की ना बात की जाती है राइट जीआई टैगिंग जी आई टैगिंग क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक ऐसी चीज बनती है जो बाकी किसी भी जगह नहीं बनती है तो जी आई टैगिंग करके उसको बोला जाता है पहली बार अगर हम भारत के जी आई टैगिंग की बात करेंगे तो कौन सा ईयर याद रखना है देखिए आपको एक्ट जो है वो अलग ईयर है जब ये स्टार्ट हुआ था तो वो अलग ईयर है शुरू जब हमने पहली बार यानी कि जब हम लिखते हैं ना इट केम इन टू फोर्स एक स्टेटमेंट लिखा जाता है that it came into force, है ना? तो ये 15 सितंबर 2003 करके लिखना पड़ेगा लेकिन जो एक्ट पारित हुआ था या जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो पारित हुआ था वो वन ट्रिपल नाइन में ही हो गया था नाइनटीन के अंदर और इन सब में पहली चीज याद रखिए कि पहली बार भारत की तरफ से दो और दो के okay, बीच में जो जीआई टैगिंग है वो सबसे पहले किसको दी गई थी असम में दार्जिलिंग जो चाय बनाई जाती है यानी कि असम की चाय अगर मैं बोलूं दार्जिलिंग टी लिख देते हैं दार्जिलिंग टी लिख देते हैं ठीक है असम टी की जगह दार्जिलिंग टी लिख देते हैं दार्जिलिंग टी जो है वो पहली बार भारत में जीआई टैग का आ, हिस्सा बना था तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा जब टैगिंग के ऊपर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट भारत के अंदर 1999 में पारित हुआ जहाँ पे 15 सितंबर 2003 को ये एक्ट जो है ये स्टार्ट हो गया और जब हमने इसको एक्ट को लागू करना शुरू किया तो पहली बार दार्जिलिंग टी जो है ना चाय जो है उसको हमने पहला जीआई टैग जो है वो आपका घोषित किया तब से लेके अब तक जीआई टैग की भरमार है हर एक राज्य से कुछ ना कुछ स्पेशल जीआई टैग जो है वो भारत के अंदर आपके बनाए जा सक बनाए जा चुके हैं जैसे पंजाब जो है वो बासमती चावल के लिए माना जाता है फुलकारी के लिए माना जाता है जो दुपट्टे आते हैं ना फुलकारी के वो सारा जम्मू कश्मीर पश्म, आ, पश्मीना शॉल शॉल के लिए आंध्र प्रदेश मैंगो के लिए उत्तराखंड उत्तराखंड का जो तेज पत्ता बनता है उसके लिए कर्नाटका जो है वो आपका मैसूर सिल्क जो बोला जाता है अभी हम जो स्टेट कवर कर रहे हैं उसमें हर एक स्टेट के अंदर मैं आपको जी टैगिंग करा रही हूं है ना मराठा जैसे हमने महाराष्ट्र की बात किया था तो कोल्हापुरी नागपुर के संतरे ग्रेप्स वाइन जो बनती है महाराष्ट्र के अंदर स्पेशल रला की बात करें यहाँ पे तो केरला में जो काली मिर्च होती है वो जी आई टैग है केरला का पेपर जिसको बोला जाता है ब्लैक पेपर करके बोला जाता है छत्तीसगढ़ में जो लकड़ी की क्राफ्टिंग की जाती है, की जाती है वो आपके जी आई टैग है बिहार के अंदर भागलपुरी सिल्क भागलपुर में जो सिल्क बनता है वो आपका जी आई टैग जो है उसको घोषित किया गया है उसी हिसाब से तमिलनाडु के अंदर कांचीवरम सिल्क कांचीवरम सिल्क मैंने आपको बताया था दो सिल्क ना भारत के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है एक मूगा सिल्क बोला जाता है जो कि आपके असम में लोकेटेड है असम में और एक जो है वो तमिलनाडु में कांचीवरम सिल्क मुगा सिल्क की एक एक साड़ी ढाई ढाई लाख रुपए की होती है मतलब एक साड़ी ढाई लाख रुपए की तो वो सिल्क को रेयर करना और उसकी साड़ी बनाना ये प्रोसेस इतना बड़ा होता है कि एक साड़ी को बनाने के लिए कम से कम तीन से चार महीने लग जाते हैं क्योंकि सिल्क की रेयरिंग की जाएगी फिर उसको फिनिशिंग दिया जाएगा फिर उसकी साड़ी जो है वो कन्वर्ट की जाएगी तो ऐसे एज एन होल अच्छा राजस्थान में कटपुतली जो होती हैं पपेट्स जिनको बोला जाता है और राजस्थान की जो नीले रंग की पोट्री है ना ऐसे बर्तन जो है वो बाजार में मिलते हैं तो जी टैगिंग किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया का वो प्रोडक्ट होता है जो वहीं की स्पेशलिटी होती है जो कल्चरली उसको डेवलप किया गया है सोशली जो है ना उसको डेवलप किया गया है बाहर की जगह पे वो चीजें आपकी नहीं पाई जाती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज जो है ना वो आपको मैं लगा के दूंगी ये वाला चार्ट तो थोड़ा सा ध्यान से इसको हर एक जगह को लोकेट करने का कोशिश करेगा दिल्ली का भी पता है आपको दिल्ली की एक समय पर दिल्ली का बासमती राइस जी टैग पे था आज नहीं है लेकिन एक समय पर था दी टर्म ल्यूनर एपोजी का uh, मतलब क्या होता है चंद्र अपभू का मतलब क्या एपोजी हो क्या होता है एपोजी 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 पैरेजी सुने हैं आपने हाँ जितने भी है मैंने लगा के दिए क्योंकि जी आई टाइग आपके मतलब आप ये समझ लीजिए ऑन एन एवरेज अगर पंद्रह दो सौ अस्सी दो सौ अस्सी थ्री फिफ्टी सिक्स करीब करीब जो है वो 378 भारत के अंदर जीआई टैग है जैसे मणिपुर का काला चावल सुने है ना उस काले चावल की खीर बनाते हैं वो लोग काले चावल काले चावल कहाँ पे मौजूद है आपके भाई मणिपुर का जीआई टैग है और ये मणिपुर का जो जीआई आई टैग अच्छा ये जीआई टैग इतना ज्यादा न्यूज में है क्यों क्योंकि इसका मिक्स मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाता है तो ये जो हमारी जी जो है ना उसका हिस्सेदारी आपके जी टैग बहुत ज़्यादा है सिल्क हुआ कोलापुरी हुआ ये जितने भी आपके जीआई टैगिंग हैं वो सारी की सारी भेजी जाती है संतरे हैं वाइन है ग्रेप्स है मूगा सिल्क है ये सबको ना बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है मणिपुर के काले चावल पूरा पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब आप समझो जितना एक्सपोर्ट हो रहा है ना मतलब जितनी डिमांड है उसका फोर्टी परसेंट भी एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कैसे बनेगा मणिपुर वाले एरिया में बना जा रहे हैं नहीं बन पा रहा है पूरा इतना ना एपोजी शब्द जो है वो किससे इंपॉर्ट बड़ा छोटा पे नहीं जाइए एपोजी और पैरजी का मतलब क्या होता है हाँ बस ये आपको पता है ना जीआई टैगिंग की लिस्ट में आपको पहले दे चुके हूँ आज मैप से पढ़ लीजिए और टैगिंग की लिस्ट पहले दी थी एपोजी और पैरजी का मतलब क्या होता है ना जी ना हमको नहीं पता है पैरजी क्या होता है देखो अगर कोई भी चीज एपो का मतलब अच्छा अब आप इसको लर्न करोगे और कभी भूलोगे नहीं मेरी बात ध्यान से सुनो एपो वर्ड जो है ये काफी जगह पे यूज किया जाता है जैसे बायो में भी यूज किया जाता है एपोमिक्स होता है mixes, है ना एक वर्ड होता है बायोलॉजी में एपोमिक्सिस है एक वर्ड होता है जिसको आप बोलते हो एपो गैमी है ना एपो शब्द जो है ना साइंटिफिकली ज्योग्राफी और बायो के अंदर अवे को बोला जाता है अवे क्या होता है अवे का मतलब होता है दूर है ना दूर तो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि ल्यूनर एपोजी का मतलब क्या है ल्यूनर वर्ड हम किसके लिए लिखते हैं भाई हम चंद्रमा के लिए लिखते हैं ना ल्यूनर वर्ड चंद्रमा के लिए और चंद्रमा किसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के आसपास अब मुझे इन ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन ये बोल रहे है कि पृथ्वी से जब चंद्रमा दूर होगा तब आप उसको एपोजी बोलोगे अब ऑप्शन बताओ मैक्सिमम और आपको यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से देखना पड़ता है दो टर्म्स यूज की जाती हैं एक एपोजी और एक पैरेजी ऐसे ही ल्यूनर की तरह सोलर एपोजी और सोलर पैरेजी बोला जाता है तो जब सूरज के सबसे पास पृथ्वी होती है तो हम उसे पैरी बोलते हैं और जो जब सूरज से सबसे दूर होती है पृथ्वी तो एपोजी बोलते हैं उसी तरीके से पृथ्वी के जब सबसे पास होगा चांद तो बोला जाएगा पैरी पास के लिए बोलते हैं पेरी फेरी पेरीफेरी वर्ड सुने हो ना आप सर्कल में जो होता है ना पेरीफेरी उसके हिसाब से तो पैरे जी शब्द लिखा होगा तो आप याद रखोगे पास में तो जब सूरज जब चांद जो है वो पृथ्वी के सब से पास होगा तो पेरजी शब्द होगा जब चांद जो है वो पृथ्वी से बहुत या सबसे दूर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो उसको एपोजी बोलेंगे अब बताओ अब आंसर क्या होगा हाँ सन के लिए आपका 149 और 152 लिखते हैं जब बहुत पास होते हैं तो 149 पॉइंट और 151 जब बहुत दूर होता है अब आप इस पॉइंट को समझ गए हो आप अब देखो यहाँ पे जब हम पेरेजी और एपजी लिख रहे हैं तो मैं अब आप मून के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना एपो का मतलब होता है क्या अवे क्या होता है अवे तो चार लाख चौवन चौवन सौ चार लाख चौवन सौ किलोमीटर की दूरी पे जब पृथ्वी से चांद होगा तो वो ल्यूनर एपजी बोली जाएगी और जब तीन लाख बासठ हजार छह सौ किलोमीटर पे चांद पृथ्वी से होगा तब आप उसको पेरेजी शब्द से इस्तेमाल करोगे अब बताओ समझ आया पेरजी एपोजी वर्ड याद रख लो और फिर सूरज आता है तो सूरज के कॉन्टेक्स्ट में चांद आता है तो चांद के कॉन्टेक्स्ट में पेरेजी का मतलब क्या हो गया टूवर्ड्स यानी कि पास है ना और एपोजी का मतलब क्या हो गया अवे यानी कि दूर तो बायो में भी ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए भी आपको लर्न करना पड़ेगा ठीक है याद रहेगा अब ये 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 चीज चलिए बताइए वेस्ट, वेस्ट फेलिया, ये कहां पे लोकेटेड है है क्या हाल ही फिलहाल न्यूज में भी आया था वेस्ट फेलिया जो है वो किसको बोला जाता है हिस्टोरिक रीजन है अठारह की बात हो रही है यहाँ पे आप बहुत पहले ना एक राज्य का नाम राज्य का नाम सुनते थे जिसको पुरुषिया के नाम से जाना जाता था जो है वो बाद में जर्मनी का हिस्सा जो है वो बन जाता है तो आज अगर आपसे कोई पूछे कि बेस्ट फेलिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है तो आप लिखोगे बेस्ट फेलिया जो है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है जर्मनी के अंदर कहाँ पे जर्मनी के अंदर ठीक है मोपला रेवेलियन या जो 1921 में हुआ था ये कौन से सेगमेंट में हुआ था तेलंगाना मालावाड़ मराठावाड़ और विदर्भ ये सारे रीजन आपके वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं तेलंगाना को अगर हम छोड़ दे तो है ना तेलंगाना की लोकेशन आपको पता है आंध्र प्रदेश से डिवाइड होके आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है मालाबार मराठाबाद और विदर्भा गुजरात वाला पूरा जोन जो है ना ये आपका बोला जाता है इस सेगमेंट को लेके तो आप ये बताइए कहाँ पे हुआ था मोपला रेवल्यूशन रेवेल रेवेल की जो शुरुआत है ना वो कहाँ पे हुई थी मराठा कैसे आ गया भाई मराठा तो दूर दूर तक नहीं है ये मोपला रेवेलियन जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ था आपका केरला में शुरू हुआ था केरला का जो जोन है उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है मालाबार बोलते हैं मालाबार करके तो केरला करके याद रखिए उन्नीस सौ मोपला रेवेलियन मालाबार सेगमेंट याद रखिए द नेम ऑफ पी महालनवास इंडियन इकोनॉमी में एक स्पेशल के दर्जे के साथ इनका नाम लिया जाता है किस चीज के साथ ये जुड़े थे इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन लेके आना है उदारीकरण जिसको बोला जाता था पंचवर्षीय योजना आरबीआई की स्थापना में इनको इन्होंने हेल्प किया या पीडीएस सिस्टम जो है वो लाए यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिंपल है भाई महालनवास पीसी सी महालनवास जो है इनको पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जाना जाता है पहली बात दूसरी बात जो आपका पूरा फाइव ईयर प्लानिंग 1951 में शुरू किया गया था वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट राइट कहाँ पे है जरा बताइए कमेंट्स में लिख दीजिए कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पीसी महालनवास जी के द्वारा ही शुरू किया गया था तो कभी कभार इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इंडियन प्लान्ड इकोनॉमी जो है ना वो बोला जाता था तो कोलकाता के अंदर लोकेटेड है तारीख साल कौन सा था 1932 कोलकाता के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो 1932 में पीसी महलनवास के द्वारा शुरू किया गया था जिनको हम फादर ऑफ प्लैंड इकोनॉमी बोलते थे प्लैंड इकोनॉमी क्योंकि प्लानिंग कमीशन शुरुआत की थी 1951 में पहली बार प्लानिंग कमीशन कब शुरू हुआ था या कौन सी तारीख से शुरू हुआ था 1951 से हु वॉज दी सेकेंड पर्सन टू वर्क ऑन मून देखिए एक बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि हमेशा ना पहला आने पे ना आपको बोला जाएगा या जो लोग पहले आते हैं उनका नाम याद रखा जाता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी जो अचीवमेंट है ना वो आपको पहला दूसरा रैंक आपकी नहीं देखती है अचीवमेंट इज जस्ट दी अचीवमेंट

बज एल्ड्रिन नील आमस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलेंस जो है वो गए थे जिसमें से माइकल कॉलेंस जो है वो चांद पे उतरे अच्छा ये किस्मत देखो भाई साहब अगला ना चांद तक गया लेकिन चांद पे उतरे नहीं मतलब चांद की सतह को देखा भी नहीं तो बर्ज एल्ड्रेन बज एल्ड्रिन आपके ये नील आमस्ट्रॉन्ग ये आपके बज एल्ड्रिन और ये आपके माइकल कॉलेंस माइकल कॉलिन्स जो है वो उसको पायलट कर रहे थे मतलब चला रहे थे पूरा का पूरा सेटेलाइट तो ही वो मतलब वैसे तो सारा ऑटोमेटिक ही होता है पर अंदर सिस्टम को एक बार देखना पड़ेगा ना तो यहाँ पे ये तीनों लोग जो हैं उतरते हैं तारीख जो है वो 1969 की है 1969 20 जुलाई ईगल करके इनको बोला जाता है ल्यूनर जो था वो ईगल था यहाँ पे और ल्यूनर मॉड्यूल के जो पायलट थे वो आपके थे बज एल्ड्रिन करके ठीक है तीनों नाम याद रखिएगा यहाँ पे है ना अभी तक हाँ बिल्कुल यहाँ पे मून पे अभी तक बारह लोग गए हैं अच्छा इस चीज को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है आप सुने भी होंगे पढ़े भी होंगे कि रशिया और अमेरिका में इसी चीज को लेके हमेशा होड़ चलती है कि भाई दुनिया पे तो फतेह की बात एक है ही जो तो आप अभी सिचुएशन देख भी रहे हो लेकिन यूनिवर्स में भी ना सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन रहेगा तो कहा जाता है कभी कभार ये बहुत बार कभी कभार नहीं हमेशा ये सवाल उठते हैं कि क्या अपोलो इलेवन जो है वो सही था कई लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि एक आर्टिफिशियल चीज जो है वो तैयार की गई थी एक आर्टिफिशियल सेटअप तैयार किया गया था जिसमें ये पूरा अपोलो इलेवन जो है उसको कंडक्ट कराया गया था शूट किया गया था और वही शूट जो है वो लोगों को दिखाया गया था देर वॉज अ क्वेश्चन मार्क रशिया के द्वारा तो क्वेश्चन किए ही गए थे लेकिन अमेरिका के भी कुछ जर्नलिस्ट और बुद्धिजीवियों के द्वारा ये क्वेश्चन किए भी गए थे कि ऐसा तो हो नहीं सकता मतलब इट्स नॉट पॉसिबल अच्छा क्वेश्चन में ज्यादातर बज एलड्रेन के लिए पूछते कि है क्योंकि ही इज ओनली पर्सन हु येट तो अभी बाकी दोनों की डेथ हो चुकी है माइकल कॉलिस् और नील आर्मस्ट्रॉंग की डेथ हो चुकी है लेकिन बज एल्ड्रिन जो है वो स्टिल सर्वाइविंग मोड पे है तो वो अभी यहाँ पे जिंदा है है ना तो थोड़ा सा याद रखिए देखिए हाँ तो ये वाली बातें ही तो आपको बताती है ना कि लैंड भी हुए कोई डेट प्रॉपर नहीं बताई कोई मूवमेंट नहीं दिखी कोई सैटेलाइट आते हुए सैटेलाइट को लोगों ने बहुत ज्यादा देख नहीं पाया दूसरा झंडा हिल कैसे रहा है जब ग्रेविटी नहीं है तो आपने झंडा लटका कैसे दिया लगा कैसे दिया मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो उठाए गए थे वी नेवर नो क्योंकि अमेरिका है कुछ भी कर सकता है हो भी, हो भी भी सकता है कि चीजें गई हो इस लेवल पे या अपोलो इलेवन एक सक्सेसफुल मिशन था लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर कभी भी अमेरिका दे नहीं पाया था जो क्वेश्चंस ना पूछे गए थे है ना तो आप दो नाम याद रखें यूरी गैगरिन यूरी गैगरिन स्पेस में जाने पहले स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन लाइका नाम का डॉग जो है वो स्पेशल एनिमल जो कि स्पेस में पहली बार भेजा गया था भारत की तरफ से राकेश शर्मा जी पहली बार आ,

जो सदन है बोला जाता है रशिया के लिए बोलते हैं अब आपको देखो रशिया के मैं सारे क्वेश्चन इन क्लासेस के अंदर कवर कर लूंगी रशिया के कैपिटल वगैरह तो आपको पता ही है एरिया यूरोप का धीरे धीरे इसी क्लास के अंदर पूरा सेगमेंट जो है वो कवर कर लिया जाएगा एक तो यूरोपियन पार्ट वाला रशिया और एक एशिया वाला रशिया है ना तो आपका पूरा पार्ट कवर कर लेंगे साथ में यूरोप को किसी दिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है उसमें एक यूरोप नहीं काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज का नाम आई रहा है नाटो जो है उसकी मीटिंग चल ही रही है जो जॉय बिडान पीछे से पूरा रोल प्ले कर रहे हैं इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं हथियार देके लेकिन रोल पूरा निभा रहे हैं जेलेंसकी का दिमाग जो है ना उन्होंने बिल्कुल वो कर रखा है एकदम की जो वो कह रहे हैं वही जलेंस की किए जा रहे हैं बिना सरकम को जाने और बिना रिपरकशंस को जाने तीस लाख लोग जो हैं वो हट चुके हैं 920 सौ सिविलियंस जो हैं वो अपनी जान खो चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूक्रेन रशिया के 15,000 सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं और अकॉर्डिंग टू रशिया यूक्रेन के तकरीबन तकरीबन 10 से बारह हजार सैनिकों की हत्या हो चुकी है मतलब उन्हें मारा जा चुका है अपोज कर रहे हैं सिविलियन एक महीना हो गया है लड़ाई को पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है रशिया की यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है कीव के अलावा यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं बचा है जिसपे कभी भी न्यूक्लियर अटैक पुतिन के द्वारा किया जा सकता है वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अगर नाटो इसी तरीके से मीटिंग और इसी तरीके से सेंक्शन लगाता रहा तो रशिया को न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने में दिक्कत नहीं होगी और न्यूक्लियर बॉम्ब जो फोड़ा तो 70 80 सालों तक चीजों को मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब की वजह से आज भी बच्चे जो है ना वो अपंग पैदा होते हैं आज भी जबकि 1945 का था ना 1945 का वो बॉम्ब था हिरोशिमा नागासाकी का आज कितने साल हो गए हैं कम से कम जो है ना उधर के 60 साल और इधर के 20 साल सेवेंटी फाइव सेवेंटी हो चुके हैं लेकिन आज भी बच्चे पैरालिसिस ही पैदा होते हैं जब पैदा होते हैं तो या तो आंख नहीं होती है या कान से सुनाई नहीं देता है या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो अपंग होता है अगर फिर से अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो दैट कैन लीड इन द डिजास्टर्स सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं रशिया करके याद रखें ड्यूमा इम्बेक्स बायोलिट्रल एक्सरसाइज है जो किन दो कंट्रीज के बीच में होती है भारत और दूसरी कंट्री कौन सी है इमेक्स बाइलेटरल एक्सरसाइज है जो हमेशा इंडिया किसके साथ कंडक्ट करता है हिरोशिमा नागासाकी यस 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 लेकिन उससे पहले जापान ने भी पल हार्बर अटैक किया ही था तो अभी जो है ना वो रशिया के ईगो को हर्ट किया जा रहा है और ये जान के किया जा रहा है जान के नाटो की मीटिंग हो रही है जान के सेंक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि और आपको पता ही है रशिया ने क्या बोल दिया भाई अब तो तेल खरीदोगे तो रूबल में ही खरीदोगे आपको पता है ना रशिया की करेंसी जो है वो क्या बोली जाती है रूबल बोली जाती है और रशिया ने बोल दिया रशिया से आप तेल खरीदो नहीं ऐसा हो नहीं सकता ये इम्पोसिबल है अगर रशिया से तेल आपने नहीं खरीदा तो पूरे भा, पूरे दुनिया में ना तेल की कमी हो जाएगी रशिया को छोड़ के राइट तो रशिया से अगर आपको तेल खरीदना है तो रशिया ने बोल दिया आपको रूबल में खरीदना पड़ेगा इसका मतलब समझ रहे हो अगर रूबल में खरीदना है तो रूबल आपके पास आएगा कैसे पहले आप उनसे कुछ चीजें उनको बेचोगे ठीक है आपने कुछ उनको सोल सोल्ड आउट कहते हैं ना कुछ भी चीजें आपने उनको सेल की सेल करोगे एक्स कमोडिटी तो आपको पैसा रुबेल में मिलेगा फिर वही पैसा आप रशिया को दे दोगे तेल खरीदने के लिए तो रशिया की आइडियली जो पैसा था वो भी बाहर नहीं गया और ट्रेडिंग जो है वो भी स्थापित हो गई लेट्स सी कितना जाता है ये इंडिया म्यांमार करके याद रखिए जो आईबैक्स है वो कौन आ, होती है आपका म्यांमार करके याद म्यांमार है ना ऑप्शन में ये ना अच्छा मालदीव्स की जगह म्यांमार हो गया है मालदीव्स 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 यहाँ पे आपका मालदीव आएगा इंडिया और म्यांमार भारत और म्यांमार करके याद रखिए उसेन बोल्ट इज अ फॉर्मस स्प्रिंटर फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्री उसेन बोल्ट में उसेन बोल्ट ने बैक टू बैक तीन जो अपने ओलंपिक हैं थ्री स्ट्रेट ओलंपिक गोल्ड हंड्रेड टू हंड्रेड मीटर रेस के उन्होंने अपने ही खुद के रिकॉर्ड जो है वो त, आ, आपके तोड़ दिए थे राइट तो याद रखिए इंग्लिश में म्यांमार और मालडिवस लिखा है ना हिंदी में अगर म्यांमार म्यांमार है थोड़ा सा इधर खिसक जाए करो है ना थोड़ा सा इधर खिसक के देख लिया करो इंग्लिश में भी गलत है तो तो चलो बनता भी है मेलडीज एक साथ है ना छोटी छोटी गलतियां हो जाती है टाइपिंग में हो जाती है ना टाइपिंग में भी नहीं ये आंसर का हिंदी करते हुए हो जाती है, है। जमाइका करके याद रखिए तीन ओलंपिक्स में लगातार अपने ही रिकॉर्ड जो है हंड्रेड और टू हंड्रेड मीटर रेस में तोड़ इन्होंने खुद के रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हैं जाता है लेकिन उसे बोल्ट अपनी आखिरी जो रेस थी उसमें हार गए थे जिंदगी भर उसे बोल्ट कोई आ, कोई भी गेम नहीं जी आ, कोई भी गेम नहीं हारे लेकिन जो आखिरी उनकी जिंदगी की रेस थी जो उन्होंने ये बोल के ही आ, की थी कि आज ही मेरी आखिरी रेस होगी इसके बाद जो है वो मैं आपको कभी भी रेसिंग प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आऊंगा और वो आखिरी गेम जो है ना वो हार गए थे जमाइका करके याद रखिएगा राइट वर्ल्ड एनिमल राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विश्व पशु अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कौन सी तारीख को देखिए वर्ल्ड एनिमल राइट डे मुझे एक तरीके से लगता है भाई हिपोक्रेसी आदमियों को राइट जो है वो मिल नहीं रहे हैं ह्यूमंस को राइट जो है वो मिल नहीं रहे हैं अफ्रीका के आधी जनता जो है वो बीमारियों से मरती है अफ्रीका को आप अभी तक मेंटेन नहीं कर पाए हो इतने साल हो गए हैं जब से अफ्रीका की स्लेवरी खत्म हुई है कि अब अब अफ्रीका के किसी भी पर्सन को आप आप स्लेव नहीं बनाओगे तब से लेके अब तक आप उनकी बीमारियां खत्म नहीं कर पाए हो में को छोड़ के एनिमल राइट की बात कर और जो लोग एनिमल राइट की बात करते हैं ना या जो लोग पेटा के ऊपर आके समर्थन करते हैं कि भाई पेटा होना चाहिए ह्यूम एनिमल्स की हमें मदद करनी चाहिए एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए वही लोग पांच दिन के बाद एक चिकन की ना प्लेट लेके ना आपको फोटो दिखा रहे होंगे हैविंग चिकन टुडे इन डिनर राइट तो ये तो हिपोग्रेसी है पांच दिन पहले आप एनिमल्स के लिए जो है वो यहाँ पे खड़े होके वकालत कर रहे थे और पांच दिन के बाद जो है ना वो आप चिकन की प्लेट और वो चिकन वैसा वाला नहीं था कि पीसेस में कटाओ पूरा चिकन जो होता है जो एक टर्की जैसा दिखता है ना वैसा चिकन लेके ना आप यू खड़े होविंग चिकन इन हैविंग चिकन इन डिनर मतलब फिर आपको ह्यूमन राइट एनिमल राइट डे जो है ना वो भी चाहिए यहाँ पे अक्टूबर चार करके याद रख लीजिए अक्टूबर चार को विश्व पशु अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है विच ऑफ दी फॉलोइंग सिटी ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ चिलीज निम्नलिखित में से किस शहर को चिलीज मतलब मिर्च का शहर के नाम से भी जाना जाता है भारत की बात हो रही है भारत में सबसे ज्यादा मिर्च जो है वो कहाँ पे बनती है मतलब कहा जाता है कि मिर्च की शायद ऐसी कोई वैरायटी नहीं है अगर अन है तो हमें पता नहीं है लेकिन आइडेंटिफाइड मिर्च की कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो कि इस छोटे इस, इस इस से सिटी के अंदर ना बनता हो किसकी बात करें मिर्च का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता क्या है आंध्र प्रदेश में होता है मिर्च का भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो होता है आपका आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट करके याद रखे गुंटूर के अंदर सबसे ज्यादा मिर्ची जो है वो बनाई जाती है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट दी मेंबर ऑफ में कंट्री निम्नलिखित में से कौन जी फोर देशों का सदस्य नहीं बोला जाता है आंध्र प्रदेश गुंटूर करके याद रखिए जैसे मैंने बोला आप याद रखिएगा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है यहाँ की जो मिर्ची है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है और ऐसी कोई वराइटी अवेलेबल नहीं है जो अगर आइडेंटिफाइड है जो कि यहाँ पे उत्पन्न जो है वो होती हो g4 ग्रुप जो है वो किसके लिए है जर्मनी इंडिया जापान यूएसए इसमें कौन g4 का हिस्सा नहीं है आपसे पूछा गया इंडिया नहीं है जर्मनी नहीं है अह क्या बात है बहुत ही बढ़िया ये नहीं पढ़े हम इससे पहले हैं जर्मनी ये g4 जो है ना एक आपका स्ट्रेटजिक ग्रुप बनाया गया था जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड था राइट पहला बात ट्रेड से और दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट को लेके थोड़ा सा ये चारों लोगों में एक कहते हैं ना सहमति हो गई कि भाई अपने को भी चाहिए परमानेंट सिटी परमानेंट सीट्स ऐसा तो है नहीं कि यूनाइटेड नेशन ने कोई एपैक्ट किया हो या कोई चीज डाटा जारी किया हो कि भाई आप ही जो है ना मतलब जो पांच आज बन के बैठे हैं फ्रांस रशिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपका यूनाइटेड किंगडम और चाइना ये पांच लोग वीटो पावर लेके बैठे हुए हैं कहीं पे पैक्ट में यूनाइटेड नेशन में ये लिखा है कि परमानेंट मेंबर हमेशा के लिए परमानेंट रहेंगे ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है तो जी वो ग्रुप है जो कि एक तो ट्रेड संभाले हुए हैं और दूसरा यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के लिए लड़ रहे हैं जर्मनी इंडिया जापान यूएस नहीं है यूएस के पास ऑलरेडी परमानेंट सीट है आप ब्राजील करके आंसर याद रखोगे क्या याद रखोगे ब्राजील ऑप्शन में इंडिया है तो यही होगा मतलब नौटा मेंबर है ना नहीं है तो यूएसए के पास ऑलरेडी परमानेंट सीट है तो वो ऐसे ग्रुप में कभी शामिल होगा ही नहीं जो परमानेंट सीट चाहते हैं यूनाइटेड नेशन की तो अमेरिका जो है वो हटा दीजिए आपका यहाँ पे आपके ये चार कंट्रीज याद रख लीजिए ये क्या है आपका जर्मनी है ना ये यहाँ पे जर्मनी हो गया देखो ये रहा आपका यूक्रेन और ये रहा रशिया है ना ये अपना भारत यहाँ पे इंडिया और ये आपका हो गया जापान जापान के चार आइलैंड जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन और ये हो गया ब्राजील राइट ब्राजील टू बाई थर्ड एरिया जो है वो साउथ अमेरिका का कवर कर रहा है मतलब ब्राजील एक तरफ और बाकी सारा साउथ अमेरिका एक तरफ साउथ अमेरिका राइट तो ये आपके चार कंट्रीज़ जो है वो जी का हिस्सा बने हैं जो अलग अलग चार कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है ठीक है ये आपका एशियन बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे बिल्कुल पहला ईस्टर्न कंट्री ये एशिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक ये यूरोपियन नेशन जर्मनी और ये साउथ अमेरिकन कंट्री तो ब्राजील जर्मनी इंडिया और जापान करके याद रखिएगा बिल्कुल गलत नहीं है ये वाला गलत नहीं है भाई ये वाला तो सही है ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड किया है इसलिए वरना मैप सही है द होली सिटी अयोध्या लाइज ऑन बैंक्स ऑफ पवित्र शहद शहर अयोध्या के तट अयोध्या किस नदी के तट पवित्र शहर अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है भाई आज तो अयोध्या जो है वो चमचमाएगी आज जो है योगी बाबा जी जो है वो शपथ ले रहे हैं और ये शपथ समारोह शायद बोला जा रहा है कि मोदी के शपथ समारोह से बड़ा शपथ समारोह होने वाला है पूरे दुनिया से कई सारे लोगों को इनवाइट किया गया भारत से तो है ही सारे के सारे इनवाइटेड पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट किया गया तो अयोध्या जो है वो शायद आज चमकेगी सरयू नदी के किनारे जो है बसा हुआ है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ वेजिटेबल इज लोकेटेड भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आई करके इसको बोला जाता है मतलब जब हम लोग इसके आई, आई करके नहीं बोलते हैं वी टॉक इट एज आर तो आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही पार्ट है या आई जो है वो आपका ऐसे आईसीएआर का हिस्सा है आईसीएआर के पास आपके 104 इंस्टीट्यूट हैं जो कि पूरे भारत में सिचुएटेड uh, है पूरी भारत मतलब पूरी भारत अंडमान के अंदर भी आईसीआर का अंडमान राइट right? अंडमान के अंदर सिचुएटेड भी है आपका 104 में से सारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य के अंदर आईसीआर का एक या दो जो स्टेशन है रीजनल स्टेशन वो लोकेटेड है उसके अलावा आप कश्मीर जाइए कन्याकुमारी जाइए गुजरात जाइए किसी भी भारत के राज्य में जाइए 28 राज्य और 8 यूटीज में से कोई ऐसा राज्य या कोई ऐसा यूटी नहीं है जिसके अंदर आईसीआर का हेडक्वार्टर जो है वो ना लोकेटेड हो एक आईसीआर में ना बड़ी कहावत है कि जो लोग यहाँ सुबह टाइम से नहीं आते हैं ना उन लोग का जो ट्रांसफर है वो किया जाता है सीधा मतलब कई बार यहाँ पे ऐसे जेडीआर बनते हैं जेडीआर मतलब जो हेड है डीजी जिनको बोला जाता है आपने आईसीआर के डीजी का क्वेश्चन भी किया होगा त्रिलोचन महापात्रा जी जो है ना वो आईसीआर के डीजी बोले जाते हैं राइट कहा जाता है कि त्रिलोचन महापात्रा जी और एक और जेडीआर थे जिनका नाम था गुप्ता जी राइट ये लोग वो ऐसे लोग थे जो सुबह सुबह नौ बजे आ जाते थे साढ़े नौ जो है ना ऑफिस का टाइम होता है आईसीआर का तो दे यूज टू तो डू वट कि साढ़े नौ से पहले सारे के सारे जो यूनिट्स डिवीजनस है उनमें गाड़ी लेके घूमना शुरू अब जो पर्सन आपको लगे साढ़े के बाद आया है ना और लगातार ऐसा दो तीन बार अगर उस पर्सन ने कर दिया देन यू आर ऑन ना रेड अलर्ट और आपको कहाँ भेजा जाएगा अब आपका ट्रांसफर जो है ना वो अंडमान किया जा रहा है या आपका ट्रांसफर जो है ना वो नागालैंड और मणिपुर किया जाएगा जहां से ट्रेन भी नहीं आती मेन एरिया तक राइट तो आप वहां जाओ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई लेट आओ अच्छा है लेट आते हैं अंडमान भी घूमने को मिल जाएगा और अंडमान जो है वो ट्रांसफर भी हो जाएगा ठीक है चलिए याद रखिए यहाँ पे आ, ये दोनों आपके आ, ये इससे रिलेटेड है आईवीआर जो है वो आपका सिचुएटेड है कहाँ पे? वाराणसी के अंदर ठीक है वेजिटेबल और वाराणसी ऐसे करके लर्न कर, कर लीजिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है इंडिजीनियसली डेवलप्ड आस्त्रा मिसाइल या एस्ट्रा मिसाइल के नाम से जो जाना जाता है वो किस तरीके की मिसाइल है ये इम्प्रूवड वर्जन है जोग्राफिकली मॉनिटर करने के लिए ये जो वर्जन है वो शुरू किया गया है डीआरडीओ बनाता है सारी की सारी मिसाइल जो है वो भारत के अंदर कौन बनाता है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में जो है स्थापित किया गया था भारत की सारी मिसाइल जो है वो डीआरडीओ के द्वारा ही बनाई जाती हैं और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो मिसाइल है वो मिसाइल आपकी एयर टू एयर मिसाइल बोली जाती है कैसी मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल करके हम इसको डिफाइन करते एयर टू एयर मिसाइल इन विच यॉज इंडियन नेशनल एयर टू एयर मिसाइल इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से साल में बनी थी तो ये तो बहुत ईजी है बाई दू एक नॉन मतलब एक फौर, नॉन फॉरनर के द्वारा या नॉन फॉरनर नॉन इंडियन के द्वारा या फॉरनर पर्सन के द्वारा एटीन एटी फाइव में इलेक्टेन इलेक्ट्रियन O, Hume, के द्वारा ये आईएनसी जो है वो बनाई गई थी 1885 के अंदर जब आईएनसी बनाई गई थी पहली बार तो आपकी 72 डेलीगेट्स जो हैं इसको अटेंड किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कहां पे था आपका बॉम्बे के अंदर लोकेटेड था जिसमें पहली बार जनरल सेक्रेटरी जो बनाया गया था वो डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी जो है ना उनको बनाया गया था कलकत्ता के अंदर और वो इलेक्टेड भी हुए थे पहले प्रेसिडेंट के रूप में डब्ल्यू सी बनर्जी पहला जो इसका सेशन होने वाला था 1885 के अंदर वो बॉम्बे में था लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको पूना प्लेग फैल जाता है ना तो उसको पूना जो है ना उसमें आपका कर दिया गया साउथ अमेरिका फाइव ऑफ लिथियम रखिये दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में लिथियम त्रिभुज जो है वो मौजूद है अगर आप ये मेरी क्लासेस काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको लिथियम ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन और डिटेल चीजें बताई थी कि पर ईयर यहाँ से लिथियम कितना प्रोड्यूस होता है लीथियम ट्राइंगल क्या है ये कौन सी कंट्री इनमें से लीथियम ट्राइंगल का हिस्सा है दुनिया का दुनिया का पिचहत्तर छिहत्तर परसेंट सेवेंटी सिक्स परसेंट जो लीथियम है ना वो इसी बेल्ट से बनाया जाता है इसी बेल्ट से तो आपको बेल्ट जो है वो कौन सी याद रखनी है आप इसमें सारा ही याद रखिए ऑप्शन चिले अर्जेंटीना और बोलीविया ये तीनों कंट्रीज आपको कहाँ की नजर आ रही है साउथ अमेरिका के कहाँ की कंट्री है ये सारी की सारी तो साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है ये लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं और यहाँ से 76% वर्ल्ड का लिथियम जो है ना वो यहीं से जाता है पेट्रियॉट ऑफ पेट्रियॉट्स किसे बोला जाता है देशभक्तों के देशभक्त के रूप में किसको जाना जाता है निको एक होते हैं हमारे राष्ट्रपिता ठीक है एक होते हैं पेट्रियोटिक के नाम पे आपके देशभक्त करके जो बोलते हैं और एक लेवल आता है जब बोलते हैं देशभक्तों के भी देशभक्त मतलब आइडल पर्सन आइडल पर्सन और ये बात जो है ना वो आपकी आ, महात्मा गांधी जी ने ही बोली थी 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था दैट इज ऑफ पेट्रियॉट किसके लिए बोला गया था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए किसके लिए बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के लिए और इस देश की विडंबना ये है कि जिनको महात्मा गांधी जी ने पेट्रियट ऑफ पेट्रियॉट उन्नीस में बोला था 1945 में उनका प्लेन का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिस प्लेन के एक्सीडेंट में उनकी कहीं पे कुछ एविडेंस मिला ही नहीं भाई गलती से अगर प्लेन एक्सीडेंट हो भी जाता है तो कुछ तो ऐसा होता उभाष चंद्र बोस जी उस प्लेन में बैठे थे मतलब अगर पर्सन नहीं मिलता है इन पर्सन आप चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो उस पर्सन की जो मेटल की चीजें होती है ना वो तो मिल ही जाती है क्योंकि मेटल तो कितना ही जलेगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा किसी ना किसी रेडियस में तो मिलेगा बहुत सर्च हुआ लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ भी एक सिंगल जो है ना आइडेंटिटी मार्क जो है उस प्लेन एक्सीडेंट में नहीं प्राप्त हुआ कुछ लोगों के द्वारा कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी उस प्लेन में कभी बैठे ही नहीं थे जिस प्लेन को यह बोल दिया गया कि ये प्लेन जो है वो एक्सीडेंट हो गया अगर सुभाष चंद्र बोस जी कभी बैठे नहीं थे और उनकी डेथ नहीं हुई थी तो वो कभी सामने क्यों नहीं आए थे ऐसा क्या था भारत की पॉलिटिक्स में कि कभी सुभाष चंद्र बोस जी जो है ना वो अगर जिंदा थे तो कभी सामने नहीं आए और जिंदा थे इसका प्रूफ नाइनटीन की ताशकंद फाइल के अंदर जो है वो मिला था जब ताशकंद की जो फोटोग्राफ्स निकाली गई थी तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने मतलब 66 की बात कहते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो शायद ये वही साइन कर रहे होते लेकिन क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 64 में हो जाती है 66 में लाल बहादुर शास्त्री तास्कन साइन करने जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी या पैक्ट होता है उस समय 1966 की फाइल में सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो जो है वो मौजूद है तो अगर 45 में आपने जिस पर्सन को डिक्लेयर कर दिया डेड उसका कोई भी आपको एविडेंस नहीं मिला पर आदमी मर गया है ना और 1966 में वो आदमी आपको फोटोग्राफ्स में नजर आ रहा है क्यों सुभाष चंद्र बोस जी इतने दिन तक भारत में अपियर नहीं हुए दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री सुभाष चंद्र बोस करके याद रखे वट इज के वाई सी के वाई सी जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है नहीं कई लोगों के द्वारा कहना है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो छड़े ही नहीं थे प्लेन में या दैट वॉज जस्ट या उनको पहले से पता होगा कि ये चीज जो है प्लेन जो है वो क्रैश करवाया जा रहा है भाई जब संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो सकता है तो सुभाष चंद्र बोस जी के प्लेन के क्रैश होने में कहा दिक्कत आ रही है जब भारत का प्रधानमंत्री मरवाया जा सकता है तो सुभाष चंद्र बोस जी के प्लेन को क्रैश कराने में कहा दिक्कत आ रही है जब अपने ही राजीव गांधी जी की हत्या करवाई जा सकती है तो सुभाष चंद्र बोस जी को मरवाने में कहाँ दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है ना चलिए नो योर कस्टमर करके याद रखिए केवाईसी जो है बैंकिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड है और आपका नो योर कस्टमर करके बोला जाता है ये चीज आप अभी हाल ही फिलहाल जो है ना वो हुए एक इवेंट में देखोगे पेटीएम जो ऑनलाइन बैंकिंग साइट है या ऑनलाइन साइट है, है पेटीएम गई थी और ये बोला गया था कि अभी के अभी जो है अभी दो तीन दिन पहले ही हमने कवर किया अभी के अभी जो है वो सारी के सारी जो है उसको रोक दीजिए और अपने जो न्यू कस्टमर है ट्रांजेक्शन नहीं इन्वॉल्व करना बंद करिए पहले जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी प्रोवाइड करिए तो ये आपका उसी से रिलेटेड है नो योर कस्टमर से रिलेटेड है आपका तो वही याद रखिए इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पोर्ट्स गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो दिया जाता है बताइए गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो कहां पे दिक्कत करता है मतलब दिक्कत मतलब कहां पे दिया जाता है नो योर कस्टमर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए ही है आपका क्योंकि हाल ही फिलहाल पेटीएम को लेके और आर को लेके बहुत ज्यादा बी ने बहुत ज्यादा गाइडलाइंस जो है वो शुरू की हैं और किसके लिए शुरू की हैं या किस चीज के लिए शुरू की है तो आप याद रखिएगा ये सारी की सारी गाइडलाइंस आपकी स्टार्ट की गई है ऑनलाइन जो पेमेंट साइट्स हैं तो इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन जो है वो ढंग से दिया नहीं है फुटबॉल करके याद रख लें फुटबॉल याद रख लेना या आपके यहाँ पे गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो फुटबॉल के अंदर में दिया जाता है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का यानी कि होली प्लेस या सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो बोला जाता है बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मक्का ऑफ द क्रिकेट किसके लिए बोलते हैं दिक्कत नहीं करता है मतलब दिक्कत नहीं करता है आपका जो अवार्ड है वो कहाँ पे किस सेगमेंट में या किस गेम में दिया जाता है देखो आपको अवार्ड्स जो हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे याद रखने पड़ेंगे जो ट्रॉफीज़ हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी स्पोर्ट्स के जो पर्सनस हैं लोग जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे और उन स्पोर्ट्स में यूज करने वाली या होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो याद रखनी पड़ेंगी राइट तो लॉर्ड को याद रखें एडन गार्डन भारत की बात नहीं कर रहे हैं टोटल टोटल बात कर रहे हैं दुनिया की अब देखो ये क्वेश्चन भी गलत दिया जा सकता है मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों के द्वारा दिया जा सकता है गलत लॉर्ड्स क्रिकेट जो आपके लंदन में मौजूद है इसको होम ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है देखो जरा अच्छा किसी ने दे दिया होगा लॉर्ड्स एडन गार्डन तो सारे एडन गार्डन ही बोलते हैं बोल रहे हैं यहाँ पे होम ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है मतलब इस uh, पूरे आप स्टेडियम को होम ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानोगे लॉर्ड्स करके यहाँ पे याद रखिए महाराजा रणजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स रणजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है रंजीत सिंह जो है वो पंजाब के पहले बड़े शासक के रूप में जाना जाता है मतलब जाने जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शासन इन्हीं का रहा था यहाँ पे अवार्ड आपका 1978 में शुरू किया गया था 1978 में और ये आपका पांच लाख की जो प्राइज मनी है उसके साथ दिया जाता है तो कौन सी गेम से संबंधित है भाई हॉकी कर ले याद हॉकी ठीक है हॉकी से संबंधित है आपका ये महाराजा रंजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप पांच लाख अमाउंट और 1978 में ना इसको यहाँ पे शुरू किया गया था ठीक है तो भाई फॉर दी 25 क्वेश्चन उसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ना उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई योगी आदित्यनाथ 33वें मुख्यमंत्री जो हैं वो बन जाएंगे यूनाइटेड प्रोविंस कही जाने वाली जो एक राज्य है जो आज जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश के रूप में जानी जाती है शपथ जो है वो लेने वाले हैं यहां पे और ये शपथ समारोह जो है वो आपका इतना भव्य होने वाला है मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का जो शपथ समारोह था उससे कहीं बड़ा पूरी भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबको ये जो इनविटेशन है वो दिया गया है पूरी बीजेपी मेंबर पूरी अलायंस पूरी अपोजिशन पार्टी जितने भी वेतरन लीडर्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, लीडर्स हैं एक्टर्स एक्ट्रेस सबको ना इनविटेशन भेजे गए पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है ना वो इन्विटेशन आपके भेजे गए हैं ऐसा पहली बार हुआ है थर्टी सेवन ईयर्स के अंदर जब कोई एक मुख्यमंत्री दोबारा जो है वो लगातार जीता है यहाँ पे या उत्तर प्रदेश का सेकेंड टाइम भी चीफ मिनिस्टर बना है लगातार वरना मतलब टूट के बनता है आज नहीं, नहीं अगले साल बन गए हैं ऐसे करके तो बीजेपी 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ह्यूज मार्जिन के साथ जीती है दो सीटें जो है वो चार अच्छा यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें थी वो थी आपकी 403 करके पे और पिछली बार जब ये सीट जीते थे तो 325 सीटें जो है ना वो आपकी जीती थी आपको क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से नजर आएंगे या आपके पूरे दिन न्यूज में ना आपको यही नजर आने वाला है तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आदित्यनाथ थर्टी सेवन सालों में दूसरे कंजिक्यूटिव दूसरे सक्सेसिव जो चीफ मिनिस्टर है वो बनने वाले पहले पर्सन है एक बार उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जो है वो आपके भारत के नक्शे में ऊपर की तरफ यानी कि समवेयर वेयर इन टू दी नदन एरिया का पार्ट जो है वो बोला जाता है जो कि उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है आपके हरियाणा के साथ बॉर्डर करता है शेयर राजस्थान के साथ शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है तेल ये झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है और शेयर करता है बॉर्डर बिहार के साथ साथ में नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर किया जाता है 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आपकी बोली जाती हैं फॉर्मेशन डे उत्तर प्रदेश का आपका 24 जनवरी 1950 कहा जाता है इससे पहले यूनाइटेड यु, प्रोविंस के नाम से जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस राइट गठन दिवस आपका क्या हो गया? 24 जनवरी 1950 इस बड़े से राज्य की जो राजधानी है वो है लखनऊ मोस्ट पॉपुलेटेड राज्य के नाम से जाना जाता है यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर ही लोकेटेड है गंगा नदी जो बहती है और सबसे ज्यादा जो किलोमीटर में बहती है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहती है आपकी Uh, इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कल भी मतलब दो तीन क्लास से पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर गन्ना जो है ना वो तो आपके महाराष्ट्र में बनता है लेकिन सबसे ज्यादा चीनी की जो मिलें हैं या चीनी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है ये फतेहगढ़ फरुखाबाद वाला जो साइड है वहां पे सारी की सारी चीनी की मिलें जो है वो आपकी मौजूद है तो भारत का जो शुगर बाउल है वो उत्तर प्रदेश है और पूरी दुनिया का शुगर बाउल जो है वो क्यूबा को बोला जाता है सबसे ज्यादा टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या पिछहत्तर याद रख लीजिए राज्यसभा की सीटें हैं थर्टी वन लोकसभा की सीटें हैं एटी जो अपने आप में दोनों जो सीटें हैं ना ये मैक्सिमम है इससे ज्यादा किसी भी राज्य की सीटें नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें चार सौ तीन एंग्लो इंडियन मेंबर को यहां से अभी रिमूव कर दिया गया स्टेट एनिमल आपका बारा सिंघा बोला जाता है स्टेट बर्ड जो है वो सौरस क्रेन के नाम से जानी जाती है फ्लावर जो है वो आपका पलाश बोला जाता है और आपका राजकीय ट्री जो है वो अशोका के लिए बोलते हैं अशोक का पेड़ जो है वो राजकीय पांच हिस्सों में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है जिसमें से दुआब का क्षेत्र जो है वो सबसे लंबा क्षेत्र और एक्सटेंडेड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है उसके अलावा नीचे वाला रीजन जो है वो बुंदेलखंड को बोलते हैं पूर्वांचल पूर्वांचल की जो सीट है वो उत्तर तो प्रदेश को बीजेपी सरकार में सबसे मैक्सिमम मिलती है मतलब पूर्वांचल ही एरिया मैक्सिमम यूपी के होल्ड पे रहता है मतलब बीजेपी के होल्ड पे रहता है तो पूरा पूर्वांचल जो है ना वो बीजेपी ऑलमोस्ट करके ना यहाँ पे जीती लेती है जिसमें से गोरखपुर का रीजन भी आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी बोली जाती है हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये अवध रीजन बोला जाता है ये रोहिलखंड और छोटा सा जो है ना वो बघेलखंड के नाम से जाना जाता है बघेलखंड एक्चुअली में एक्सटेंशन है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो पूरा रीजन है ना उसको आप बगेलखंड के नाम पे भी जानते हो तो आइडियली क्या हो रहा है कि आपके मेन जो लीडर के नाम से जाना जाता है तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, में अवध वाला जो रीजन है ना वो आपके राजनाथ सिंह को जो है ना वो दिया गया है और गोरखपुर रीजन जो है वो यहाँ पे दिया गया है पूरा का पूरा यूपी के चीफ मिनिस्टर यानी कि योगी आदित्यनाथ को पहले गवर्नर जो है वो उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू जो है वो बोली जाती है अच्छा उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन सी है बताइए जरा उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर या फिर पहली चीफ मिनिस्टर ही फीमेल जो है ना वो ये थी कौन थी जरा बताइए पूर्वांचल कालीन भैया अच्छा वेब सीरीज ना दिमाग से जाए चाहे एग्जाम में एनआरए जो है वो आपका सीईटी का प्रपोजल लेके आ जाए है ना वेब सीरीज ना दिमाग से जाएंगी और ना निकलेंगी पढ़ते समय भी पढ़ते समय जो वेब सीरीज जो है ना उनको थोड़ा सा दिमाग से हटा दिया करो भारत की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी जी को बोला जाता है ये सुचेता कृपलानी जी भारत के सबसे बड़े राज्य यानी कि आपकी उत्तर प्रदेश की एरिया uh, वाइज पहले उत्तर प्रदेश देखिए राज्य सबसे बड़े राज्य मतलब पॉपुलेशन वाइज बोला वैसे राजस्थान आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा है 10.4 परसेंट एरिया कवर करता है लेकिन उत्तर प्रदेश पॉपुलस बोला जाता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बार बार उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से बोल रही हूँ पहली गवर्नर सरोजनी नायडू जी पहली चीफ मिनिस्टर फीमेल चीफ मिनिस्टर जो बनी थी वो आपकी सुचेता कृपलानी जी और अभी की जो गवर्नर हैं वो आपकी आनंदी बेन पटेल तो आपने कुछ दिन पहले न्यूज में ये देखा था कि सीएम की शपथ लेने से पहले योगी आदित्यनाथ अपने पूर्व पद से यानी कि पूर्व सीएम से रेजिग्नेशन जो देने गए थे वो गवर्नर को दिया गया था यानी कि आनंदीबेन पटेल जी को ये आपका जो रेजिग्नेशन है वो दिया गया था फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के जो बोले जाते हैं जो 1950 में बने थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत सुने है नाम आप प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पता ही है सबको है ना नाम लेने की जरूरत ही नहीं है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा अभी तक के थे अब शायद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर में रानी ये मौर्य बेबी मौर्य है ना उनका नाम जो है वो आ रहा है यहाँ पे तो हो सकता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे और रानी मौर्य जो है ना उनका यहाँ पे आपकी जो अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है ना उसको लाया जा सकता है लैंग्वेज हिंदी बाकी सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और स्टेट में हमने कवर कर ही लिया है उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा चीजें जो है ना वो डिटेल में आपकी कवर की कर ली जाएंगी पूर्व न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा को दिल्ली का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको याद रखनी है लोकायुक्त जो है वो दो से ये सीट जो है वो खाली थी अब लोकायुक्त जो है वो लाके यहाँ पे आपके विराजमान बना दिए गए हैं एम एस धोनी ने रविंद्र जडेजा को सी एस के यानी कि आपकी चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी जो है वो सौंप दी गई है तो अब आपको धोनी जी जो है वो आईपीएल के सीएसके की टीम के हेड जो है वो नहीं नजर आएंगे अब आपको रविंद्र जडेजा जी जो है ना वो नजर आएंगे बहुत ही उमदा फोटो ये नजर आ रही है देखिए गेम से रिलेटेड जैसे मैंने आपको कल बोला था वो न्यूज सच में शॉकिंग थी कल पूरे दिन काफी जगह वो चला एश्ली बाटी ने मात्र पच्चीस साल में रिटायरमेंट ले लिया और उनका एक इंटरव्यू जो है ना वो मैंने सुना वहां पर उसमें उन्होंने क्लियर एंड लाउड लिखा है कि मैं अपने टारगेट को लेकर ना बिल्कुल क्लियर थी मतलब मुझे ये पता था कि कोई ना कोई एक टारगेट जो है ग्रैंड स्लैम जिसको कहा जाता है वो जीतना है और जीत के वही रुक के ना फिर आगे कुछ और नए टारगेट्स बनाने हैं तो एश्ले बाटी का ये जो लाइन थी ना मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार लगी हम एक ही चीज के पीछे ना अपनी जिंदगी और पांच छह साल जो है वो खर्च किए जा रहे हैं है ना मतलब सरकारी नौकरी और क्या सोच रहे हैं कि भाई हमें वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा भाई काम आपको करना पड़ेगा काम आपको हद से ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अब सरकारी नौकरियों में बहुत ही ज्यादा काम कराया जाता है है ना तो अब नौकरी में अब एश्ले बाटी जो सिर्फ पच्चीस साल की उम्र थी उन्होंने कहा एक ग्रैंड स्लैम जीत के ना हम रिटायर हो जाएंगे और फिर आगे ना नए टारगेट सेट करेंगे तो शी रिटायर्ड हर सेल्फ फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ दी टेनिस पे उसी की तरीके से याद रखिए सी के जो है वो अब धोनी जी जो है वो उसके कैप्टन नहीं रहेंगे अब आपके यहाँ पे रविंद्र जडेजा जी आपको कैप्टनशिप में नजर आएंगे तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा धोनी धीरे 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 सारे फॉर्म्स के क्रिकेट से हटते जा रहे हैं तो कप्तानी को जो है ना उन्होंने अलविदा बोली दिया है अमर उजाला की न्यूज थी आपकी धोनी के अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 204 मैचों में से एक इक्कीस मैच जो है वो उन्होंने जिताए थे और चार आईपीएल और दो चैंपियंस टी ट्वेंटी ट्रॉफी जो है ना वो धोनी के द्वारा यहाँ पे जिताई गई थी तो धोनी के अंडर में सीएसके लोग काफी सारे लोग जो है ना काफी सारे लोग जो है ना वो सीएसके के मैचेस को देखते ही इसीलिए थे कि धोनी जो है ना वो उसमें दिखाई देंगे देखिए हमेशा ना एक चीज के ऊपर ना आपकी रिलायबिलिटी होती है जब क्रिकेट के मैच हुआ करते थे और राहुल द्रविड और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग पारी खेलते थे ना वो वो मैच हुआ करते थे शायद जिसको भारत की सारी जनता देखती थी इर ऑफ एनी क्लास कास्ट जेंडर अब क्रिकेट देखने वालों की संख्या कम से कम 40 से 50 परसेंट तो कम हो ही गई है जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग किया करते थे और सामने राहुल द्रविड़ हुआ करते थे वो क्रिकेट क्रिकेट लगा करता था आज का लगा नहीं करता था फिर बीच में धोनी जी आए तो धोनी जी की वजह से लोग जो है ना वो मैच देखना शुरू हो गए अब जो है ना वो धोनी जी भी नहीं है तो मैच देखिए कैसे करके यहाँ पे कैसे करेंगे है ना तो आप बस याद रख लीजिए धोनी जी जो है वो हट गए अच्छा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे भारतीय ग्रैंड प्रिक्स जो एथलेटिक्स वाली हो रही है उसमें अविनाश सेबल ने 3000 मीटर स्टीपल चैलेंज का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किया गया है क्रिएट किया किया गया है मतलब बोला जा रहा है चलिए कोई दिक्कत नहीं है धोनी और विराट कोहली दे आदि टू डिफरेंट पर्सनालिटी लेकिन अगर मतलब ऑन एंड ऑल बोला जाए तो धोनी के लिए बोल सकते हैं भाई बाकी आप लोग की अपनी मर्जी यहाँ पे है ना देखो धोनी इज द वन जिन्होंने कामली रह के ना सारी चीजें कंप्लीट कर ली विराट का अलग एक है कि वो एग्रेशन में चीजों को अच्छा कर जाते हैं तो देखो वैसे भी दो ही तरीके के लोग होते हैं कुछ लोग गुस्सा करके चीजें सही करते हैं कुछ लोग कामली चीजों को सही करके लेके जाते हैं तो दोनों अलग अलग लेवल के खिलाड़ी हैं दोनों अपने आप में ना बहुत बेहतरीन है सो so, इस लेवल पे आके देखिए सचिन तेंदुलकर को जैसे आप किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते किसी प्लेयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते सिमिलरली धोनी को और आप विराट कोहली को ना किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कुछ चीजें ना आपकी इनकम्पेरेबल होती हैं आप उन्हें देखो हीरे को ना आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हीरा हीरा ही रहेगा आप चाहे कितना ही उसको कंपेयर कर लो लेकिन हीरे की चमक नहीं जाती ना या हीरे की गुणवत्ता किसी और में नहीं आ सकती तो दे आर द डायमंड ऑफ आर इंडिया राइट भारतीय ग्रैंड प्रिक्स में आपके अविनाश सावले करके याद रखिए तिरुवनंतपुरम में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है और ये उस मतलब इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है उसमें तीन हजार मीटर का स्टेपल चैलेंज जो है वो इन्होंने निकाला है यहाँ पे उसके अलावा अविनाश सेवल जो है ना वो आपके टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी खेले थे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा ने स्थानीय निकाय के आधिकारिक कार्य के लिए मराठी को अनिवार्य जो है वो बना दिया ये एक दो दिन पहले जब हम महाराष्ट्र कर रहे थे तब मैंने एक स्टेटमेंट यह दिया था कि महाराष्ट्र में ज्यादा लड़ाई दंगा क्यों मतलब कई बार ये देखा गया है कि मराठी भाषा ही बोलो मराठी लैंग्वेज ही यूज करो अगर आप यूपी या बिहार से हो तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से महाराष्ट्र के अंदर देखा जाता है ये बात कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई कर रही है जो मैंने बोला क्योंकि देखो यू इन पर्सन आप कितने अच्छे हो वो तो बहुत ही अच्छी बात है मराठी या महाराष्ट्र जो हैं दे आर मतलब वंडरफुल इन दियर नेचर मतलब उनको हम नहीं बहुत ही उमदा किस्म के लोग और बहुत ही अच्छे और जेनविन लोग होते हैं राइट right? लेकिन व्हेन वी यूज टू हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन तब हमें सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने पड़ते हैं मराठी भाषा जो है वो अनिवार्य कर दी है विधेयक पारित करने के लिए मतलब इसका विधेयक पारित भी हो गया तो स्थानीय निकाय जो है या जो भी लोकल बॉडीज हैं उन सब में मराठी लैंग्वेज जो है वही बोली जाएगी और उसी के लेवल पे ही काम जो है वो लिखा होगा हर हाँ एग्जैक्टली exactly, वहां पे हर दुकान का जो बैनर होगा वो देखिए जैसे आप साउथ जाइए साउथ आप कर्नाटका तमिलनाडु केरला जाइए आपको बहुत बार तो मुश्किल ही हो जाएगी कि लिखा क्या है दुकान पे मतलब दे डू नॉट इवन राइट इंग्लिश आपके इंग्लिश भी नहीं लिखा है तो आप क्लू ले सो चल के रहा भाई यहाँ पे क्या है ये समझ ही नहीं आ रहा है तो भारत में ही आए हैं ना हम ये कहीं और ही आगे हैं तो वहां की तमिलनाडु खासकर तमिलनाडु खासकर तमिलनाडु में हर एक दुकान पे ना सिर्फ तमिलियन भाषा ही लिखी रहेगी तो आपको आधी टाइम समझ ही नहीं पाएगा आपको ना मतलब आइटम देख के ना चीजें देख के समझना पड़ेगा कि किस चीज की दुकान है क्योंकि ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है ना आपके लिए तो यहाँ पे थोड़ी सी ना दिक्कत हो गई है ये पूरा बड़ा आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो लैंग्वेजेस को ये जो प्रायोरिटी दी जा रही है ना इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी अब देखो दुकान जब लोकल बॉडीज में हो गया तो यानी कि अगर आप पानी का बिजली पानी का ब, बिल भरने जाओ बिजली हालांकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया लेकिन कभी तो जाना ही पड़ता है ना तो वहां पे वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मराठी जो है वो भाषा बोले जैसे कर्नाटका जाए कर्नाटका जो है ना आप हिंदी बोलेंगे ना तो दे लुक लाइक ऐसे ना क्या ही बोल दिया जैसे इन्होंने पता है गुनाद कर दिया हिंदी बोल के इंग्लिश बोलोगे तो वो फिर भी ठीक रहेंगे फिर भी आपको रिप्लाई कर देंगे लेकिन अगर आपने गलती से हिंदी निकाल दिया ना मुँह से तो फिर ऐसे लगता है कि अच्छा सॉरी नहीं मतलब ठीक है इंग्लिश में बोल देते हैं ऐसे वाला मराठी को अनिवार्य कर दिया है यहाँ पे द बुक ऑफ जॉय ये बच्चों का एक संस्करण जो है वो रिलीज किया जा रहा है इसको याद रखिएगा इसको रफाल लॉपेज के द्वारा जो है वो जारी किया जा रहा है उसके अलावा पहली अमेरिकी विदेश मंत्री मेडलिन अल ब्राइट का 84 फोर ईयर्स की एज में निधन हो गया है प्रणाम प्रशांत देसाई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो चल रहा है 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड जो है ना वो इनके द्वारा जीता गया तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एयर टू सतह टू सतह सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है तो ये वही था जो अभी कूद काद के थोड़ा सा पाकिस्तान में पहुंच गया था और बोल दिया था कि भाई सॉरी गलती से पहुंच गया था जबकि हम तो सच में टेस्ट कर रहे थे कि ये रडार में दिखाई देता है कि नहीं देखा भारत के भारत की सीमा के बाहर 124-123 किलोमीटर वो पहुंच गया और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला अब एक तो पाकिस्तान की अपनी अंदर की कलेश जो है वो खत्म नहीं हो रही इमरान खान कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जबकि वहां के आर्मी के जो लीडर है क्या बोलते हैं उनको बाजवा बोलते हैं क्या बोलते हैं अजीब अलग सा नाम ही है उनका बाजवा बोल हैं कि भाई तुमको तो रेजिग्नेशन देने का देना ही पड़ेगा नहीं तो आपको जबरदस्ती हटा दिया जाएगा सता से सता ब्रह्मोस का सफल परीक्षण जो है वो अभी किया गया है ब्रह्मोस के बारे में डिटेल में हम पूछ लेंगे कल था 24 मार्च और 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जिस दिन टीवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है आप लोग याद रखिएगा कि टीवी सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं है हालांकि शुरुआत टीवी जो है जिसको के 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 नाम नाम से जाना जाता है माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम के बैक्टीरिया के द्वारा टीवी होती है जो कि हमारे फेफड़ों में घुस जाता है लेकिन ये टीवी सिर्फ लंग्स तक नहीं रहती है टीवी जो है वो ब्लड में भी आ जाती है और उसके अलावा और ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर देती है या अफेक्ट कर देती है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स ये जो है ना वो आपका थीम जो है वो यहाँ पे रखा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो याद रहेंगे ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी आपकी पीडीएफ पे जो भी कुछ मैंने बोला है आपको मिल जाएगा तो सारी की सारी क्लासेस के लिए आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम लिंक से ले सकते हो ये टेलीग्राम आपकी स्क्रीन पे ऊपर की तरफ दिख भी रहे यहाँ पे तो ये याद रखिए ठीक है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टी बी और टी वी में अंतर होता है इन चीजों का मजाक उड़ाने से पहले ना एक बार ये चीजें देखो ये ये ना एक्सेप्टेबल नहीं है आपको अगर कुछ भी चीजें ऐसी बोली जाती हैं जो कि दैट कैन बी मेक फन और किसी का किसी को बुरा नहीं लग रहा है करके ना तो आप मत मजाक उड़ाओ लेकिन मजाक तब तक उड़ाना चाहिए ये टीवी और टीवी में अंतर नहीं पता आप अभी भी सिक्स क्लास के बच्चे हो या आप नाइन्थ क्लास के बच्चे हो जिसको पहली बार ट्यूबर क्लासेज़ की शॉर्ट फॉर्म टीवी बताई गई है और आप टीवी वर्ड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कैंसर अभी जो बीमारियां हैं ना उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को अगर हम छोड़ दें और कैंसर को छोड़ दें तो तीसरे नंबर पर आपका ट्यूबर क्लासेस है जिसको होता है ना उसकी पूरी बॉडी बोल जाती है मतलब एक एक ऑर्गन जो है वो अंदर का हिल जाता है जब फेफड़ों से सांस नहीं आ रही होती है ना और ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ता है ना ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाना पड़ता है ना और फेफड़ों में से आपको किसी भी दिन ऐसा लग सकता है कि अब जो है ना ये आखिरी सांस चल रही है उस पर्सन की जो सिचुएशन है ना वो कभी हम इन पर्सन जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे फील नहीं कर पाएंगे और भगवान करे ना कभी फील करना भी ना पड़े बट ट्यूबो हेरिडिटरी भी होता है मैं आपको बता दू अगर किसी की फैमिली में कभी किसी को ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुआ है तो भले ही ये बैक्टीरियल कॉजिंग ऑर्गेनि बैक्टीरियल जो ऑर्गेनिज्म है वो इस डिजीज को कॉज करता है लेकिन आगे की जनरेशन में पूरा पूरा खतरा होता है कि आगे वाले जो लोग है ना दे कैन डाई फ्रॉम दी टीवी दुनिया में नहीं आप दुनिया की तो चलो ठीक है एक बार को हम बोल भी दे कि नहीं हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन भारत में ट्यूबर क्लॉसिस से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि यंगस्टर्स जो है ना वो इसका हिस्सा बन रहे हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ईयर्स के एज के जो लोग हैं ना जैसे आपने अभी हार्ट ही फिलहाल देखा है कि हार्ट अटैक से आदमी लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है एंड दैट टू तो वेरी यंग एज थर्टी सिक्स थर्टी एट ईयर्स फोर्टी ईयर फोर्टी फाइव ईयर्स के एज में ना लोग

एक बार सारी की सारी चीजें जो है वो रिवाइज कर लिया करो यहाँ पे है ना आप यहाँ पे पूरा पार्ट जो है वो रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास अटेंड किया करो आपकी अच्छी खासी पीडीएफ अपडेट होती है प्लीज करके उसको रिवाइज किया करो फिर जो है ना वो नेक्स्ट क्लास देखा करो ठीक है चलिए अभी के लिए गाइज थैंक यू सो मच एंड यू आर नॉट इन सिक्स क्लास और नाइन्थ क्लास आप एक देश का बड़ा एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो और आप भारत सरकार की गवर्नमेंट जो प्रणाली है ना उसका हिस्सा बनने वाले हो तो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस नहीं तो एग्जाम जो है ना मजाक उड़ा देगा फिर दिक्कत हो जाएगी है ना चलिए आपकी पी सारी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगी जो कि आपके ऊपर अभी अटैच भी है टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर लीजिए सात पी की जो क्लास है और छः पी की क्लास है दोनों क्लासेज आज आपकी होने वाली है सिक्स पी पे जो है ना वो हम मिक्स क्वेश्चन ही करने वाले हैं और यहाँ पे आपके सेवन पी एम पे आज सिर्फ गोवा और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कवर कर लेंगे तो ये कल की क्लास अरेंज हो ही नहीं पाई थी वो शायद टाइम का कुछ स्लॉट नहीं हो रहा था अवेलेबल गोवा करके याद रखिए गोवा जो है वो मैं आज आपकी कराऊंगी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यूनिकॉर्न बैच आपका सी एच एस एल सेगमेंट में चल रहा है वहां पे एस एस सी सेगमेंट जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए मैं इसमें ना बायो की थ्योरी करा रही तो कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी पर मैं अरेंज कर लूंगी आप लोगों के लिए एक क्लास ठीक है बाकी शिप्रा टेन कोड यूज करके आप एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप टेलीग्राम पे मुझे पिन कर सकते हो पीडीएफ सारी आपकी अपडेटेड हो जाएगी देखिए अभी आपका एनआरए से रिलेटेड कुछ आया है आपकी सीई से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन कल रात को ही अपडेट हुई है आपकी तो उससे वैसे तो आपका लेना देना कुछ है नहीं आपको डेट्स ऑलरेडी बताई दी गई हैं रेलवे ने बताया ना आपका कि पहले सी बी टी टू का जो सात गुना सी बी टी टू के लिए सात गुना जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा वो किया जाएगा उसके बाद सी बी टी टू का पेपर होगा और जुलाई के लिए ना आपकी ग्रुप डी की जो डेट्स हैं वो दी गई हैं अगर दी गई दे दिए गए महीनों के हिसाब से चीज़ें जाएंगी तो इसी सीक्वेंस में हो जाएंगी वरना एग्जाम आ, कब क्या होगा ये सरकार ही बता पाएगी बाकी पता नहीं मतलब बाकी चीजों के लिए ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं बिल्कुल हाथ पे कहते हैं ना आग लगा के बैठे हैं लेकिन एग्जाम के मामले में मतलब ऐसे सो के बैठे हैं पता नहीं क्या ही करने वाले हैं इतने साल हो गए हैं ना तो देखते हैं कभी आपका आता है बाकी अगर यही डेट्स अगर मानी जाए जो अभी आई हैं तो आपकी मई के आसपास जो है वो ग्रुप एनटीपीसी सीबीटी टू का पेपर और जुलाई में ग्रुप डी का पेपर जो है वो तय किया गया ठीक है अभी के लिए गए थैंक यू सो मच मैं आपको मिलती हूँ छः बजे और सात बजे शाम को अन अकेडमी के प्लस सेक्शन में नहीं स्पेशल सेक्शन में स्पेशल क्लासेस हैं आपकी वो और कल है शनिवार तो कल आपकी एक्स्ट्रा दो तीन वीडियोस जो हैं वो हम करने वाले हैं तो वो एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करेगा और समझिएगा कि क्या आपके क्वेश्चन में एग्जाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी के लिए गए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर शाम को छः बजे और सात बजे